हरे कृष्णा। हमारे पुराणों में कई जगह वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का पालन कर द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रेममय भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है एकादशी व्रत का पालन करना। सनातन पांचांग के अनुसार एकादशी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस प्रकार हर महीने दो बार एकादशी आती है। एकादशी के दिन अन्न से व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य है कि अपने मन के साथ साथ सारे इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। यह एक ऐसा दिन है जब हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम रखकर अपनी साधना के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि हरिनाम का जप और कीर्तन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, वैष्णवों की सेवा करना आदि। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महात्माय भविष्य उत्तर पुराण में महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिचित्त नामक एक राजा था जो माहिष्मति पुरी पर राज्य करता था। वे एक निष्ठावान राजा था जो अपनी प्रजा का अपने परिवार की तरह ध्यान रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। उन्होंने ना कभी कोई पाप कर्म किया, न छल कपट से कभी धन की प्राप्ति की। वे दुराचारियों को व्यापक दंड देते थे और सत्यवादी लोगों को अपने अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कृत करते थे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर इस पर विचार विमर्श किया कि राजा की इस पीड़ा का सुचारू रूप से कैसे निवारण ढूंढा जाए। उन्होंने ऋषि मुनियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। वन में भ्रमण करते हुए वे लोमश ऋषि के पास पहुंचे, जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। लोमश ऋषि को देखकर राजा के सलाहकारों ने उन्हें आदर्श पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाते हुए उनसे विनती की वे उन्हें कोई ऐसा उपाय बताए जिससे राजा माहिचित्त को संतान प्राप्ति हो सके। लोमश ऋषि, जो कि त्रिकालज्ञ थे, वे उनसे कहने लगे, राजा पिछले जन्म में व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकते थे। एक बार व्यवसाय काम के लिए घूमते हुए वे प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के पास आए। जब वे पानी पीने के इरादे से तालाब के किनारे पर पहुंचे, उसी समय बछड़े को जन्म दी हुई एक गाय भी तालाब से पानी पी रही थी। तब प्यास से अस्त व्यस्त होकर उन्होंने तालाब से उस गाय और बछड़े को दूर कर दिया और स्वयं पानी पीने लगे। लोमश ऋषि ने बताया कि क्योंकि राजा से ये पाप हुआ था, इसीलिए उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब सलाहकारों ने मुनिवर से पूछा कि किस प्रकार राजा इस पाप से मुक्त हो सकते हैं, तब उन्होंने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। कुछ समय में यह मंगलमय तिथि आ गई और राजा सहित सभी ने इसका निष्ठा पूर्वक पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को अर्पित किया। देखते ही देखते राजा महिचित्त को एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जो भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई व्रत का महात्माय श्रवण करता है उसे निसंदेह भगवत प्राप्ति होती है। तो आए इस पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर का पूरी तरह लाभ उठाए, भगवान के नाम का निष्ठा पूर्वक जाप करें
और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करें। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।